ऐसा नए एसआरके में आप एक नाम भूल गए, एसआरके बी कर दो उसको जी। अगर आप कैप्टन का भी नाम के रूप में लेते हो तो उसे बी कर दो, बिरेंदर सिंह। हाँ, बिरेंदर सिंह में बहुत बड़ा फैक्टर, बड़ा फैक्टर। और बिरेंदर सिंह ही वो माइंड है जो अब शैलजा कैप्टन के साथ बिल करके चलाएगा। एक जो सबसे कमी मुझे नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास पूरे पैन हरियाणा का कोई वैसे नेता नहीं है, पैन हरियाणा का कोई ब्राह्मण नेता नहीं है, पैन हरियाणा का कोई पंजाबी नेता नहीं है। मुझे लगता है कि अभय सिंह चौटाला केवल अपनी सीट तक सीमित रह सकते हैं। आपकी बार जब टिकट वितरण का दौर आएगा, एसआरके में से के तो गई आउट, अब जो एसआरके में हम कैप्टन को जोड़ लेते हैं थोड़ी देर के लिए, अब जो ये गुट है जब टिकट वितरण की बात आएगी तो अकेले हुड्डा को ही उतना वेटेज मिलेगा। क्या सोचते हैं कि ये एसआरके की भी चिंता की जाएगी? नए एसआरके का नाम ले रहा हूं मैं। लेकिन जो आपने मुद्दा उठाया कि भाई कांग्रेस उसका क्या फायदा करेगी, कांग्रेस उसका फायदा, कांग्रेस को बहुत बड़ा फायदा मिलने जा रहा है, खासतौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इसका फायदा मिलेगा। शैलजा उनके खिलाफ बोलेगी नहीं, रणदीप सुरजेवाला उनके खिलाफ बोलेगी नहीं, और हुड्डा बोलते ही नहीं थे, नेता बोलते ही नहीं थे, लेकिन कांग्रेस जो है वो कभी कभी कैप्टन यादव वो जरूर वो भी नहीं बोलेंगे। कैप्टन अजय यादव को तो मैं नाम ले सकता हूँ, मैंने उनसे टेलीफोन पे बात की तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं बताऊं। नहीं, आप नहीं बोलेंगे कुछ नहीं बताऊंगा। लोकसभा चुनाव हो चुका है, इस समय पूरे देश के अंदर हरियाणा के विधानसभा चुनाव पर जो राजनीति के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं उनकी नजर है। पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है, हरियाणा का राजनीतिक माहौल क्या बन रहा है, इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। और मैं मौजूद हूं फरीदाबाद में, पत्रकारिता के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है विजेंद्र बंसल जी, और सानिध्य प्राप्त हो रहा हमें साथ में एनजेपी के नाम से चलाते हैं मीडिया इंस्टीट्यूट रेवाड़ी से महेश वैद जी। और सौभाग्य से हम तीनों साथी दैनिक जागरण के अंदर कभी काम कर चुके हैं और आज एक अलग अलग प्रोफाइल के साथ आपके समक्ष मौजूद हैं। बंसल जी, पूरे हरियाणा के अंदर राजनीतिक माहौल बनने लगा है जी। मग्गू जी ने अपना परिचय नहीं दिया, मग्गू जी भी इस समय देश रोजाना अखबार भी चलाते हैं और इनका जो वेबसाइट और चैनल है वो भी बहुत लोकप्रिय है। पूरे हरियाणा में जो इस समय विधानसभा चुनाव का माहौल बना है लोकसभा चुनाव के बाद, जैसे मग्गू जी ने कहा कि पूरे हरियाणा पर नजर है, पूरे देश की, पूरे देश के जो तीन पत्रकार जब एक साथ बैठ जाएं तो वो नजर भी जरूरी है, चर्चा भी जरूरी जब मिल बैठेंगे तीन यार किसी डिस्कस पर जरूर पहुंचेंगे जो है। तो वो जो निगाह है दिल्ली से लेकर के पूरे देश की, वो हरियाणा पे इसलिए है कि हरियाणा में जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं उन्होंने ये चर्चा करने के लिए हमें बाध्य कर दिया कि हरियाणा में 10 सीटें हैं लोकसभा की और 10 सीटों में से 5 सीट कांग्रेस जीत गई है और 5 सीट बीजेपी जीत गई है। 50-50 हो गए, दोनों को फिर गुड़ करा दिया जनता ने। लेकिन मजेदार बात यह कि 50-50 का मैच हुआ है, एक खेमा खुश है और एक खेमा मायूस। हाँ, ये मग्गू जी एक बहुत बड़ा कि भाई बीजेपी को चाहे 5 सीट जीत भी गई है लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी का वर्कर उतना उत्साहित नहीं है जितना कांग्रेस का वर्कर। बिल्कुल जी। अच्छा, इसके पीछे कारण क्या मानते हैं? इसके पीछे बंसल जी बहुत साफ सुथरा कारण है, जैसे पीछे 73 पार का नारा देकर चले तो 40 आए, 400 पार का नारा देकर चले तो बहुमत से भी दूर रह गए। तो जब हम देखते हैं कि जो अपेक्षा ज्यादा कर रखी थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने जो जगाया हुआ था 10 का दम, उसका दम निकला है। कार्यकर्ताओं ने माना हुआ था कि मोदी मैजिक चलेगा लोकसभा में और हरियाणा की जो एंटी इनकम्बेंसी है वो प्रभावित नहीं करेगी, लेकिन इस चुनाव को हरियाणा की एंटी इनकम्बेंसी ने भी प्रभावित किया। और आपको मैं मेरे नजरिए से बताऊं तो इसकी शुरुआत उस दिन हो गई थी राहुल गांधी की, जिस दिन सदस्यता रद्द की गई थी, और दूसरा सबसे बड़ा कारण जिस दिन चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव का जो हुआ था, बेईमानी से जो चुनाव किया गया था, और उसमें जेपी नड्डा ने जब ट्वीट कर दिया, एक्स पर लिख दिया, उस चुनाव का समर्थन कर दिया, तो लोगों ने लगा था कि अब तो अति हो रही है, उससे भाजपा का ग्राफ गिरना शुरू हुआ। देश के फैक्टर पे तो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, ये बड़े फैक्टर बड़े रहे। लेकिन मैं आज भी एक असमंजस में हूँ कि अरविंद केजरीवाल वैसे बिरादरी से आते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली से पूरी मीडिया उन्हें कवर करती है, उसके बावजूद भी हम हरियाणा के लोग हैं तीनों,
हरियाणा के जो वैसे बंधु हैं वो क्यों अरविंद केजरीवाल से नहीं जुड़ पाए, या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर उनकी रेजिमेंट क्यों सामने नहीं आती? देखिए, क्योंकि मैं लोकसभा चुनाव की अगर बात करूं तो लोकसभा चुनाव में तीन जो चाहे वो कांग्रेस को वोट दी है चाहे बीजेपी को वोट दी है, वैसे बिरादरी ने बीजेपी को या फिर दूसरे नंबर पे कांग्रेस को। देखिए, आप कई बार चर्चा करते हैं अपनी बिरादरी की, तो आप सबसे अच्छा जानते हैं, पर आपकी चर्चाओं का निष्कर्ष मैं बता देता हूँ। आप जो चर्चा करते हैं, आपकी चर्चा ये रहती है कि वैश्य समाज, दूसरा भी लगा लीजिए, कुछ जातियां हैं, इंडिविजुअल नाम नहीं लेकिन अब वैश्य जिक्र चल रहा है, तो वो सत्ता के साथ तब तक बना रहता है जब तक उन्हें लगता है कि इन्हीं की सत्ता है। जैसे उनको पता लगेगा कि सत्ता खिसक रही है, वो एकदम नीचे से निकल करके वो सत्ता जो है विरोध में खड़ा हो जाएगा, और जो विपक्ष है जिसके सत्ता में आने की संभावना है वो उस तरफ खड़ा हो जाएगा। जिस दिन वैसे समाज को लगेगा कि अब बदला लेने का वक्त आ गया, इसके मतलब तो मम्मू जी साथ नहीं रहेगा। जो बात महेश जी कह रहे हैं, मैं तो इस बात से सहमत हूँ कि अग्रवाल वैसे समुदाय यदि उन्हें ये दिखाई देगा कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, मैं बीच में बंसल जी एक बात काट के आपको बताऊं, अगर पंजाबी समुदाय को ये पता होता कि राज बब्बर इतने कम अंतर से चुनाव हार रहे हैं तो थोक के भाव वोट कर देते। वो वोट इसलिए नहीं कर पा रहे थे, वो सत्ता के साथ लगे हुए थे कि भाजपा को वोट देने में फायदा है, सत्ता तो भाजपा की आ रही है, भाजपा हरियाणा में अच्छा करने जा रही है और देश में अच्छा करने जा रही है, तो वो सत्ता के साथ। मैं यही बात मम्मू जी से इसलिए पूछना चाह रहा था कि जैसे मैं इस बात से आपकी से सहमत हूँ कि वैसे समुदाय ये समझता है कि सत्ता के साथ रहना चाहिए, और जब उन्हें ये दिखाई देगा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस की सरकार आ रही है तो वो धीरे से कांग्रेस के साथ लग जाएंगे और कांग्रेस को फायदा हो जाएगा। क्या पंजाबी समुदाय भी ऐसा ही सोचता है? मैं दोनों बताता हूँ आपको, ये दोनों व्यापारिक समुदाय है। हाँ, इन्हें राजनीति से ये नजर इतने दूर से, और वोट की चोट भी ये तब करते हैं जब लगता हो कि ये चोट 100% सही बैठेगी। आप ये देखें, असमंजन की स्थिति में नहीं करते। आप ये देखें, अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए, पूरे देश के अंदर वैश्य समाज का एक भी कहीं प्रदर्शन नहीं हुआ जिसमें ये कहा गया हो मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री पद से हटाए गए। एक भी पंजाबी ने आह नहीं भरी पूरे हरियाणा के अंदर। अगर यही कोई जाट समाज का, यादव समाज का, कोई और होता, उसको हटाया जाता तो तूफान आ जाता उन लोगों के बीच में। बिल्कुल सही। तो ये दोनों व्यापारी समाज है, इनको सिर्फ ये है कि अपना व्यापार करें, अपना काम देखें और मौका लगेगा देख लेंगे, निर्विवाद रूप से व्यापार करें, निर्विवाद रूप से व्यापार। एक और भी बात है, व्यापारियों को थोड़ा सा डर इस सरकार में ये तो रहा कि जैसे तुम सत्ता के विरोध में खड़े होंगे वैसे ही कुछ ना कुछ बुरा हो जाएगा, एक हल्का सा छापा पड़ जाएगा, हल्का सा जैसे कहते हैं ना जब बाल बराबर फ्रैक्चर आता है, ऐसे हल्का सा एक है तो सही। हाँ, डेंट तो है थोड़ा सा लोगों के दिमाग में, ये बात तो है कि यार बीजेपी वाले खुन्नस भी निकाल सकते। बिल्कुल बिल्कुल, ये खुन्नस का ही जो आप बोल रहे हैं ना, इस खुन्नस का ही डर है कि वो खुल करके सामने, खुल करके सामने। तो आगे की बात करते हैं, 4 महीने बाद चुनाव, अमित शाह कल आए पंचकुला के अंदर, 5,000 लोग बुलाए, सबको बढ़िया खाना शाना खिला दिया अच्छे से, बिल्कुल एक भी वर्कर मुझे ऐसा नहीं मिला जो ये कहे कि मैं फलां नेता तक अपनी बात पहुंचा ली। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जैसे इन्होंने झटका दिया था 12 मार्च को, चुपके से मनोहर लाल जी साइड हुए और नायब सैनी आ गए। अब कल अमित शाह ने डिक्लेयर कर दिया कि नायब सिंह सैनी हरियाणा का सीएम फेस है, बीजेपी को नुकसान या फायदा इसका? मैं तो बीजेपी को इसका नुकसान ही मांगूंगा, क्योंकि इसमें हम लारी लप्पा की बात करें, नहीं बिल्कुल ठीक बात है जी, उसका कोई फायदा है? बंद मुट्ठी ज्यादा अच्छी रहती है, वो बंद मुट्ठी ज्यादा अच्छी थी। मैं कई मंचों पर यह बात कह चुका हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व में जी चुनाव लड़ती, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के सामने जब मनोहर लाल को हटाने की संभावनाएं थी तब मनोहर लाल को हटाया नहीं, और जब उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बन गई थी कार्यकर्ताओं में, ये था कि भाई सब कुछ ठीक है, तो फिर उनको मनोहर लाल को हटाया क्यों जी? और जब हटा दिया तो फिर उनके साये में क्यों रख रहे हो नायब सिंह सैनी को? साये में रख रहे हो, हटाते तो ऐसा 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 चेहरा सामने लाते जो बिल्कुल एंटी मनोहर दिखाई दे। और इनके पास सीएम मटेरियल एक नहीं, कई लोग हैं सीएम मटेरियल, आप कृष्णपाल गुर्जर, राव इंद्रजीत सिंह, कैप्टन अभिमन्यू, आप ओम प्रकाश धनखड़ को ले सकते हो, आप सुधा यादव को ले सकते हो, आप रामविलास शर्मा को ले सकते हो, चाहे उनकी एज ज्यादा हो गई है लेकिन उनकी एक्सेप्टेबिलिटी को ले सकते हो। अनिल विज को आप फिर बीजेपी को लास्ट उससे उठा दिया, लास्ट रो से उठा के और सीएम बनाना। देखो छत्तीसगढ़ कोई सीएम फेस नहीं, राजस्थान कोई सीएम फेस नहीं,
मध्य प्रदेश कोई सीएम फेस नहीं, जबकि बड़े बड़े चेहरे बीजेपी के पास थे, सबको किनारे किया और बिना सीएम फेस के चुनाव लड़ा, मेजोरिटी आ गई। हरियाणा में क्या लगता है, अगर सीएम फेस दे रहे हैं तो क्या मेजोरिटी ले सकेंगे? देखिए, मैं मेजोरिटी या जीत हार की बात नहीं कह सकता, लेकिन नुकसान फायदे की बात आपकी जो पहली बात थी, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ कि बीजेपी को इसका नुकसान होगा। और नुकसान इसलिए होगा कि कल जब ये कार्यकर्ता वापस लौट रहे थे तो उनमें एक उत्साह तो इस बात का था कि अमित शाह हरियाणा का चुनाव बड़ी गंभीरता से लड़ रहे हैं, इस बात के लिए उनका उत्साह था। फिर उन्होंने 4-5 हज़ार वर्कर एक साथ देखे, बहुत दिनों के बाद देखे हैं, तो उन्हें ये भी लगा कि हाँ, हमारी हरियाणा में स्ट्रेंथ है। लेकिन एक बात जो उनके साथ सबसे बड़ी हुई कि अमित शाह ने ये कह दिया कि नायब सिंह सैनी हमारे सीएम फेस होंगे, तब उन्हें ये लगा कि यार इसके नाम के साथ तो हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब तो राव इंद्रजीत सिंह भी अहिरवाल में ये कह देते हैं मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। उस समय की बात ध्यान है, जब 2014 का चुनाव था, 8 की फांस, हर जगह चर्चा चल रही थी, 8 मुख्यमंत्री के चेहरे थे, राव इंद्रजीत को हेलीकॉप्टर थमा दिया था, दूसरे नेताओं को हेलीकॉप्टर थमा दिया था कि आप जाइए प्रचार कीजिए, और हर कोई सीएम फेस था, उसका बीजेपी को फायदा मिला। पहली बार मैं कह रहा हूं, जब कभी नहीं करते थे, सिर्फ एक देश में मोदी का नाम तो चलाया, बाकी किसी स्टेट में कोई नाम नहीं, कोई फेयर कॉम्प्लेक्स है बीजेपी को, कोई ऐसा लगता है कि अगर कोई चेहरा नहीं देंगे तो और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, या तो कोई एसएससी रही हो, सोच बनी हो कि भाई ओबीसी वोटर्स को अपने पाले में कर लें। हम अगर देखें बंसल साहब, तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी से ओबीसी वोटर भी लगभग 7% कटा है। देखिए, ओबीसी वोटर की अभी ना बाइफरकेशन है, ओबीसी में भी ए है, ओबीसी में भी बी है, और फिर उनके अलावा भी अगर आप बात करें, पूरी ओबीसी की बात करेंगे तो 6%, अगर खाली सैनी समुदाय की बात करेंगे तो 3% 2%। तो वहां आकर के ना सैनी समाज का अभी तक जो इनका सिस्टम था वो बहुत बढ़िया था, कि चाहे मनोहर लाल जी भी मुख्यमंत्री थे, 2019 में चुनाव लड़ा, उसके बाद भी राव इंद्रजीत अहिरवाल में कह देते थे कि भाई, फिर अब की बार लोकसभा में ही कह दिया रामविलास शर्मा ने कि 4 जून को फिर एक शपथ ग्रहण समारोह होगा, फिर बदलाव होगा, फिर ये जो नारनौल के विधायक हैं, ये ओम प्रकाश के लिए, तो लेकिन आप तो आप जनता को या मतदाताओं को बहका नहीं सकते, उनको कोई भ्रमजाल नहीं कर सकते। अब तो कृष्णपाल गुर्जर ये नहीं कह सकते कि भाई हाँ, मेरा भी नंबर आ सकता है, क्योंकि क्लियर कर दिया। अब राव इंद्रजीत सिंह किस मुंह से ये कहेंगे कि हाँ, मेरा भी नंबर आ सकता है। देखो, बीजेपी का जो मुझे गणित लगता है इसको, मेरा दृष्टिकोण ये है कि बीजेपी ये मानकर चल रही है कि ब्राह्मण और जो व्यापारी वर्ग है, व्यापारी वर्ग की जातियां हैं, ब्राह्मण, पंजाबी या जो दूसरे समुदाय है, वैश्य समुदाय है, वो सारे के सारे बीजेपी के कोर वोटर है, वो नहीं जाएगा छिटक करके, बीजेपी की ये मान्यता है। बीजेपी की जरूरत क्या है, एससी, ओबीसी और हरियाणा में जाट, इसको वर्गीकरण करके देखते हैं। हरियाणा में जाट है तो जाट बीजेपी को पक्की उम्मीद है कि नहीं आ रहा है हमारे साथ, एससी की पक्की उम्मीद है कि नहीं आ रहा है, थोड़ी बहुत संभावना कोशिश करेगी पार्टी, अंत्योदय के सहारे, लाभार्थियों के सहारे कोशिश करेगी। तो बचा क्या, ओबीसी। ओबीसी काफी हद तक बीजेपी के साथ आ चुका था, सैनी अब की बार थोक के वोट जो है, थोक के भाव में जो गया है। आप नारनौल का देखेंगे तो भिवानी महेंद्रगढ़ में, नारनौल में जो वोट सैनियों का मिला, एक तरफा मिला है भारतीय जनता पार्टी को, तो राव इंद्रजीत का वहां जाना, मोदी का वहां जाना और सैनियों का एक तरफा वोट मिलना, वो धर्मवीर की जीत का कारण बन गया। तो इंद्रजीत को अगर चीफ मिनिस्टर की अगर मान लीजिए रेस में रखते तो एक, या डिक्लेयर कर देते इस समय कि भाई इंद्रजीत के नेतृत्व में चुनाव लड़ लें, तो एक ओबीसी को हटा करके दूसरा ओबीसी कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब कम से कम ये था कि ज्यादा जुड़ जाता पूरी तरह से, बीजेपी की विश्वसनीयता खराब होती कि 3 महीने के लिए ओबीसी चेहरे का इस्तेमाल किया, इसलिए ये कहना जरूरी हो गया था, क्योंकि लोगों में ये चर्चा चल रही थी, मनोहर लाल दोबारा आएंगे, ये चर्चा चल पड़ी थी, वही कुर्सी संभालेंगे और या कोई दूसरा चेहरा आएगा, मतलब वही फियर फैक्टर था, टेंपरेरी मान रहे थे, फियर फैक्टर था, कोई लोगों में किसी तरह का वहम ना रहे, इसलिए कर दें। लेकिन वही मगुजी वाला जो सवाल है, वो आप अगर उसका सही उत्तर दे कि अब इसका बीजेपी को नुकसान होगा या फायदा होगा? इसका देखो, बीजेपी का मेरी दृष्टि से नुकसान होगा, मैं शॉर्टकट में कह रहा हूँ, लेकिन बीजेपी का ये मानना है कि जो 100 दिन है अगले, जो इंप्लीमेंट करना है योजनाओं का, हरियाणा का अधिकारी तो कांग्रेसी नेताओं की मानने लग गया, नायब सैनी को समझ ही नहीं रहा है, अब नायब सैनी को वो अधिकारी समझ लेगा कि सपोज अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो
तो नायब सैनी के कोप का सामना करना पड़ेगा, इसलिए वो थोड़ा सा सावधान हो गया। और अगले 100 दिन का जो एजेंडा है अमित शाह की नज़र में वो है कि अगले 100 दिन हमको बहुत कुछ इम्प्लीमेंट करना है, और वो तब इम्प्लीमेंट हो सकता है जब नायब मजबूत हो, इसलिए नायब सैनी को मजबूत करके गए हैं वो। ये पॉलिटिकल कारण भी हो सकता है, क्योंकि अमित शाह के मुंह से निकली हुई कोई बात ऐसे ही कोई ना कोई एजेंडा उसका जरूर होगा उसका। दूसरे राज्यों में विधानसभा चुनाव, वहां भी ओबीसी में एक मैसेज जाएगा कि भाजपा ने परिवर्तन किया है तो मन से किया है, दिखावे के लिए नहीं। लेकिन इस समय भारतीय जनता पार्टी का जो हरियाणा में कोर वोटर है वो पंचकुला से लेकर के पानीपत बेल्ट तक और फिर पलवल होडल से लेकर के अहिरवाल तक का, केवल यही दो बेल्ट मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कारगर साबित होगी, और कहीं तो कुछ चमत्कार हो जाए तो कहें। पिछले चुनाव में भी था, आपको महेश बाबू जी, आप दोनों से एक मेरा सवाल है सीधा सा, कृष्ण पाल गुर्जर को और राव इंद्रजीत सिंह को अगर आप हटा करके माइनस करके भाजपा को देखते हैं तो ताकत बहुत कम हो जाए, बहुत कमजोर। तो यहाँ पर जो है कि 1+1 व्यक्ति की ताकत भी है और भाजपा की ताकत भी है, इसलिए भाजपा की ताकत बनी हुई है। बिल्कुल, कृष्ण पाल गुर्जर और राव इंद्रजीत को भी भाजपा की जरूरत है और भाजपा को भी इन चेहरों की जरूरत है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत जल्दबाजी में टिकट घोषित की थी इन दोनों की, सबकी पहले कर दी थी टिकट घोषित, कि आप निश्चिंत रहिए। धर्मवीर की भी शायद पहले कर दी थी जो। लेकिन एक नुकसान होगा मग्गू जी, अगर ये इस बार विधानसभा चुनाव में पिछली बार की तरह राव इंद्रजीत सिंह को, कृष्ण पाल गुर्जर को या धर्मवीर सिंह को, ये जो छत्रप है इनको इग्नोर नहीं कर, इग्नोर करेंगे तो फिर नुकसान हो और ज्यादा होगा। देखो भाजपा दोहरी नीति पर चल रही है जी, पैरेलल चल रही है कि इन लोगों ने कभी आंख दिखाई, मान लीजिए बेटा या बेटी को किसी को टिकट नहीं दी, आरती को टिकट देने में आनाकानी, मुझे नहीं लगता आनाकानी होगी, टिकट दे दी जाएगी अब की बार, लेकिन 1% मान लीजिए अगर ऐसा हुआ और इन लोगों ने ना आंख दिखाई तो पैरेलल व्यवस्था हो रही है, किरण चौधरी की एंट्री हो चुकी है। भाजपा दूसरे स्तर पर भी प्रयास कर रही है, मुझे लगता है चुनाव से पहले कई बड़े चेहरे आप भाजपा में जाते देखेंगे और भाजपा से कई बड़े चेहरे कांग्रेस में जाते देखेंगे। एक तरफा जो गेम है वो बंद हुआ है इस रिजल्ट से, पहले एक तरफा भाजपा की तरफ जाने की संभावना थी वो खत्म हो गई। हम भी बात कर रहे हैं दूसरी तरफ की भी, एक तरफा कह देंगे हमें भी लोग, एक तरफा ही कर रहे हैं। कांग्रेस का क्या लगता है, राहुल गांधी की जो मीटिंग हुई 26 जून को, उसके अंदर मुझे बंसल जी तीन बात बड़ी नजर आई राहुल गांधी की। पहला तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर या मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी के बारे में बयान ना दे। लंबे टाइम से शैलजा कह रही थी कि जो टिकटें बांटी कांग्रेस की वो टिकटें ठीक नहीं बांटी, इस वजह से नुकसान हुआ। तो शैलजा को जवाब ये दे दिया कि 5 सीट मिली हैं और हमारा वोट शेयर 47% आया, तो शैलजा को चुप कर दिया एक तरह से। हुड्डा जी ने बोला कि मेरा आखिरी चुनाव है, तो उनको हंसते हुए कह दिया कि बहुत सारे लोग कहते थे आखिरी चुनाव है, मतलब ना तो किसी को खुश किया ना किसी को निराश किया। नहीं मक्कू जी, उस मीटिंग के दौरान मैं बाहर रहा, तो मीटिंग के अंदर के दो नेताओं को, मैं उनका नाम कोट इसलिए नहीं करूंगा, वो मेरे सूत्र हैं, सोर्स हैं, उन दोनों नेताओं से मैंने पूरी कमेंट्री सुनी है। उस कमेंट्री में क्या है, राहुल गांधी ने एक बहुत तुरप का पत्ता चला है। अब राहुल गांधी की स्थिति वो नहीं है जो पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने हुआ करती थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले उन्हें टेक इट इजी, बिल्कुल, लेकिन अब उन्हें पूरी गंभीरता के साथ लेते हैं। अब राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, तो इस बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राहुल गांधी की किसी भी बात को काटा नहीं, और राहुल गांधी ने भी बीच बीच में कोई इंटर नहीं किया, पहले सब लोगों से 2-2 मिनट की बातें सुन ली और फिर उसके बाद अपनी बात कही, और उन्होंने एक ही बात सबसे मेन कही कि भाई बात यह है कि हरियाणा को मैं समझ चुका हूँ, हरियाणा को मैं जान चुका हूँ, हरियाणा में यदि कांग्रेस के हमारे नेता आपस में एकजुट रहेंगे तो हम सरकार बनाएंगे, हमारे चांस बहुत अच्छे हैं, और हम एकजुट नहीं रहते हैं तो इसमें हमारी सबसे पहली एक आपको सजेशन है, और वो ये है कि कोई भी नेता बाहर जाकर के किसी भी प्लेटफॉर्म पे ना तो पार्टी के आंतरिक बातें बताएगा और ना आप अपने आप के डिफरेंसेस बताएगा। और इस बात को लेकर के केसी वेणुगोपाल ने एक ट्वीट भी किया एक्सपोज पे, कहा भी। और तीसरा, उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण काम क्या किया, एक बात जब उन्होंने ये कहा कि भाई अब जिसको जाना है वो अब चला जाए जी, इसके बाद कोई अपना गिला शिकवा ना रखे। किरण चौधरी को बड़ी गंभीरता से नहीं लिया, जिसको गिला शिकवा तो उन्होंने किया, उन्होंने ये भी नहीं कहा किरण चौधरी का, मैंने क्रॉस चेक किया, उन्होंने किरण चौधरी का नाम लिया नहीं, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि जिसको जाना है वो अब चला जाए,
इसके बाद जो हमारा डिसीजन होगा कांग्रेस दौड़ेगी और कांग्रेस के साथ दौड़ने वाला हमें नेता चाहिए, हमारी विचारधारा के साथ दौड़ने वाला नेता चाहिए। अगर वो नेता हमारी विचारधारा हमारी आइडियोलॉजी को नहीं मानता है तो वो अब चला जाए, उसके बाद उसको जाने के कोई औचित्य नहीं। जी, तो वहां से बड़ा क्लियर स्पष्ट संदेश। लेकिन जो आपने मुद्दा उठाया कि भाई कांग्रेस उसका क्या फायदा करेगी, कांग्रेस उसका फायदा, कांग्रेस को बहुत बड़ा फायदा मिलने जा रहा है, खासतौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इसका फायदा मिलेगा। सैलजा उनके खिलाफ बोलेगी नहीं, रणदीप सुरजेवाला उनके खिलाफ बोलेगी नहीं, और हुड्डा बोलते ही नहीं थे, हुड्डा बोलते ही नहीं थे। लेकिन कांग्रेस जो है वो कभी कभी कैप्टन यादव वो जरूर वो भी नहीं बोलेंगे। मेरे कैप्टन अजय यादव का तो मैं नाम ले सकता हूँ, मैंने उनसे टेलीफोन पे बात की तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं बताऊंगा, नहीं आप नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बताऊंगा। लेकिन जो हमें अंदर की बात बताई वो ये था कि हुड्डा को इसका इसलिए फायदा है कि अब पूरी कांग्रेस तो हुड्डा के हाथ में है, उदयवान उसके हाथ में, नेता प्रतिपक्ष उसके हाथ में, और जो जाट समुदाय की या जो और। लेकिन आपको तो ये बताइए, आपको क्या लगता है कि हुड्डा के हाथ में बता दी, जब टिकट वितरण का दौर आएगा, एसआरके में से के तो गई आउट, अब जो एसआरके में हम कैप्टन को जोड़ लेते हैं थोड़ी देर के लिए, अब जो ये गुट है जब टिकट वितरण की बात आएगी तो अकेले हुड्डा को ही उतना वेटेज मिलेगा, क्या सोचते हैं कि ये एसआरके की भी चिंता की जाएगी? नए एसआरके का नाम ले रहा हूं मैं, ऐसा नए एसआरके में आप एक नाम भूल गए, एसआरके बी कर दो उसको। जी, जी अगर आप कैप्टन का भी नाम के रूप में लेते हो तो उसे बी कर दो, बीरेंद्र सिंह। हाँ, बीरेंद्र सिंह बहुत बड़ा फैक्टर, बड़ा फैक्टर। और बीरेंद्र सिंह ही वो माइंड है जो अब शैलजा कैप्टन के साथ मिल करके चलाएगा। अगर ये किरण चौधरी नहीं जाती तो ये जो चार लोग थे जी, ये भूपेंद्र हुड्डा पर अंदर बहुत भारी पड़ते, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा के पास कोई और कोई पैरोकार अपना नहीं बचा है। प्रदेश जो प्रभारी है कांग्रेस का दीपक बावरिया, वो बिल्कुल निष्पक्ष बात कर रहे हैं, उन्हें शैलजा भी चाहिए, उन्हें कैप्टन भी चाहिए, उन्हें बीरेंद्र सिंह भी चाहिए, उन्हें सब चाहिए। उनका झुकाव थोड़ा तो हुड्डा की तरफ जाएगा? ना ना, बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं। अगर इंटरनल हम बात करें तो शैलजा भी उनके बारे में ही कहती है दीपक बावरिया तो ऐसे ही है, हुड्डा से भी इंटरनल बात करें तो वो भी कहते हैं कि दीपक बावरिया भी तो ऐसे ही। देखो मैंने एक प्रत्यक्ष देखा, मैं 2 दिन पहले दीपक बावरिया का एक कार्यक्रम था न्याय चौपाल, BCA के लिए उन्होंने शुरू की है, मैं संयोग से दिल्ली में था, मुझे पता लगा तो हरियाणा भवन के नजदीक ही है कार्यक्रम में, तो उसमें चला गया। तो मैं जो देख करके आया, वो जिस एजेंडे पर आगे बढ़ रहे हैं वो ये कि कांग्रेस का जो खोया वोट बैंक है उसको वापस लिया जाए, BCA और OBC इन दोनों पे ध्यान दिया जाए। तो उन्होंने नाम लिया स्पेशल कि हमारे OBC के राष्ट्रीय चेयरमैन है वो इस दिशा में अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने ये बोला वहां पर, ये बोला। लेकिन मैं महेश जी एक बात से, हम ठीक है, हमें इस समय आबो हवा जो दिखाई दे रही है राजनीतिक तौर पर वो कांग्रेस की दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस की आबो हवा में एक जो सबसे कमी मुझे नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास पूरे पैन हरियाणा का कोई वैसे नेता नहीं है, पैन हरियाणा का कोई ब्राह्मण नेता नहीं है, पैन हरियाणा का कोई पंजाबी नेता नहीं है। तो व्यापारी वर्ग जो BJP का कोर वोटर है उनको साधने के लिए या उनके बीच जाकर के भूपेंद्र सिंह हुड्डा से दोबारा मिला, और 10 साल का गैप हो गया है, तो इस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपने साथ कुछ अलग पैन हरियाणा के नेताओं को जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के उनकी नई। अगर हम किसी निष्कर्ष की तरफ आगे बढ़े हरियाणा की राजनीति को लेकर के, तो जो 50-50 का मैच लोकसभा में हुआ है, विधानसभा चुनाव सिर पर ही है, 100 दिन बाद जो विधानसभा चुनाव का बिगुल बज जाना है, तो आप भारतीय जनता पार्टी को कहां पर खड़ा देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी देखिए, मैं तो क्या आप आसानी से जैसे अमित शाह का हमने चर्चा की है वो आए हैं जोश भी भर के गए, मैं उसके बावजूद भी अभी 70-30 पर मान के चलता हूं, 70 कांग्रेस 70 और जी आपका भी निष्कर्ष आना चाहिए। मुझे भी ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच में एक थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, मैं जरूर इंडियन नेशनल लोकदल को, JJP को, आपको, BSP को, ये कितने प्रभावी होंगे हम एक एक मिनट के अंदर की चर्चा कर लें। मुझे लगता है कि अभय सिंह चौटाला केवल अपनी सीट तक सीमित रह सकते हैं आपके पास। जैसे जी आपका लगता है, देखिए अगर इनका अलायंस हो गया किसी पार्टी से, अगर मेरे ख्याल से हिसार सिरसा जिले में 1-2 सीटों पर जो है शायद इंडियन नेशनल लोकदल का प्रभाव जरूर रहेगा। देखिए इस बार नई पार्टी के रूप में JJP नहीं है, नहीं है। JJP का जो चमत्कार है वो इस चुनाव में नहीं रहेगा। नहीं। तो इंडियन नेशनल लोकदल का भी चुनाव में इस चुनाव में इसलिए नहीं रहेगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जाटों को ये समझा दिया है कि भाई ये सब वोट कटवा है,
तुम्हारे वोट बटे और गए, तुम्हारे वोट गए और सत्ता गई, और मुझे अकेले को वोट दे दोगे तो बिल्कुल। और वो जो अभी तक केवल उनके जो कोर वोटर है, चाहे वो जाट बिरादरी के हैं चाहे और हैं, उनको ये विश्वास नहीं होता था कि कांग्रेस इस पर विश्वास करेगी या नहीं करेगी। तो अब उसने ये विश्वास दिला दिया कि कांग्रेस तो मेरी है जी, अब कांग्रेस और किसी की है नहीं। हाँ, जाटों को यकीन है कि जब सत्ता मिलेगी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा चेहरा होंगे, ऐसा ऐसा लग रहा है सब। और इस बार आप देखो ना, 5 सीटें जीती हैं, 5 सीटों में से एक शैलजा को छोड़ दो तो 4 MP भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर पे रहते हैं दिल्ली। जी जी जी, तो ये एक बड़ा फैक्टर है इस समय हरियाणा की राजनीति में, बहुत बड़ा फैक्टर है। जी, मेरा भी मानना यही है कि मुझे लगता है कि कांग्रेस अपर हैंड तो है, अपर हैंड भी अच्छा है, पर अगर बीजेपी ने जो टिकटों वाला अगर इसने वितरण में कुछ किया, ठीक ठाक सा फेरबदल किया, बीजेपी के पास कैडर आज भी पूरा है। बीजेपी का जो वोटर है, कह लें जो एक जो तलवार की धार पे राजनीति खड़ी है, जिसने अहंकार दिखाया उसी को तलवार काट दे। जी 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 जी, जिसने अहंकार दिखाया तलवार तलवार पर आया। ये ठीक, जो जिसने अहंकार दिखाया वो तलवार पे आया। तो ये चर्चा थी हरियाणा को लेकर कि हरियाणा की राजनीति में क्या हो सकता है, क्या चल रहा है। हमने चर्चा की, आगे भी कुछ ऐसे ही मुद्दों पर प्रयास करेंगे, किसी प्रकार से फिर मिल बैठे और बात करें। जरूर। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।